रात के वक्त गली मोहल्लों की लाइटों का टिमटिमाना। ये खंभों पे लगी लाइटें आपको रास्ता तो दिखाती हैं, पर आपके ऊपर नजर भी रखती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आज से पहले कभी आपका इस बात पर ध्यान गया हो या ना हो, लेकिन आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे। मैं मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे दो दोस्तों के साथ रात के खाने के बाद रोज थोड़ा चक्कर लगाने जाता था, घूमने जाता था। उस वक्त हम घर से थोड़ी दूर एक सुनसान रोड पर घूमते थे और एक अच्छी सी जगह देखकर वहां बैठ जाते थे। पर पता है क्या, तब चक्कर लगाना तो और घूमना तो सिर्फ बहाना था। असल में मेरे दोस्तों को स्मोकिंग करनी होती थी और मुझे मेरे फोन पर बात। पर जब कभी स्ट्रीट लाइट की लाइट अचानक बंद होती थी या बुझती थी, तो मेरा एक दोस्त हमेशा एक बात कहता था कि चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं, और हम उसे चिढ़ाते थे क्योंकि उसका कहना था कि जब कोई लाइट अचानक बंद हो जाए या फिर बंद चालू होने लगे, तो वहां कोई बुरी ताकत होती है। अगर तुम घर से बाहर हो, घर में हो तो कोई बात नहीं, ऐसा होना मतलब उसके वहां होने की निशानी है। पर तब हम हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, पर शायद उसकी बात कहीं ना कहीं सच जरूर थी। ये मुझे उस रात के बाद पता चला। मैंने एक नई जगह पर नौकरी के चक्कर में एक नए शहर में शिफ्ट किया हुआ था। एक छोटी सी चौल थी जहां मैंने एक मकान किराए पर लिया था। यंग था तो शादी भी नहीं हुई थी और अकेला ही रहता था। ऑफिस में 4-5 नए दोस्त भी बन चुके थे, तो एक रात हम सब ने एक साथ डिनर का प्लान बनाया। दोस्तों के चक्कर में उस रात मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था। एक दोस्त ने मुझे उसी की बाइक से मेरे चौल के ठीक सामने छोड़ा रात के वक्त, और वहां से फिर वो चला गया। अब खाना इतना खा लिया था कि कल सुबह पेट खराब ना हो जाए, इसलिए पास ही के एक मेडिकल स्टोर पे चला गया। अब रात भी काफी हो चुकी थी, लगभग सब दुकानें बंद हो गई थी। मुझे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया, तो मैंने उनसे पूछा, भैया यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है आसपास में? तो उसने कहा कि थोड़ा आगे आगे गली के बाईं तरफ ही है। अपना छोटा सा आइसक्रीम का ठेला बंद करते हुए उसने मुझे बिना देखे ये जवाब दिया, और इतने में जो रोड की लाइट थी वो आंख मिचोली करने लग गई। यहाँ हमेशा की प्रॉब्लम है, इस पूरी रोड पर हमेशा ये शिकायत रहती है, रोज लाइट खराब होती है। वो आइसक्रीम वाला बिना देखे मुझे अपने आप में बड़बड़ाने लगा। गली के आखिर में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था। मैं उस मेडिकल स्टोर के अंदर गया और स्टोर वाले से कहा कि भैया थोड़ा सादा खा लिया है, कल सुबह कहीं पेट खराब ना हो जाए तो आप मुझे कुछ अच्छी सी दवाई दे दो यार। वो मुड़ा और एक सिरप की बोतल हाथ में लेते हुए बोला, 70 रुपए। मैंने उसे पैसे दिए, दवाई ली, मुड़ा और गली की तरफ चल पड़ा। और मुश्किल से 6-7 कदम चलाई होगा कि मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने ज्यादा ध्यान तो दिया नहीं, क्योंकि यहाँ इस शहर में मैं ज्यादा जान पहचान मेरी थी नहीं यहाँ पे, तो कोई परिचित मिलने से तो रहा। कुछ कदम चलने के बाद वो आवाज और तेज हो गई और साथ ही एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, भैया। मैं पीछे मुड़ा तो घर के पास खिड़की के पर्दे से छनकर आती हुई रोशनी में मुझे एक लड़की दिखाई दी, और वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब उसने कहा, भैया क्या मैं आपके साथ कुछ देर चल सकती हूँ? मुझे अंधेरे में थोड़ा डर लग रहा है। वो थोड़ी कांपती हुई सी बोली, हाँ बेटा जरूर। अब मैं कोई धर्मात्मा तो हूं नहीं, पर यहां जॉब मिलने से पहले मैं गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों को पढ़ाया करता था, तो बेटा बोलने की आदत सी लग गई थी मुझे। मैं चल पड़ा उसके साथ, और अब वो मेरे दाएं तरफ थोड़ा पीछे चलने लगी। ट्यूबलाइट अभी भी झपक रही थी। अब वो मुझे भैया बोल ही चुकी थी, तो उस झपकती हुई रोशनी में उसको देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि अंधेरे से डर लगता है या भूतों से? भूत से, वो थोड़ा जोर से बोली। मैंने कहा कि इस गली में भूत कहाँ है? वो बोली, क्या पता, भूत तो कहीं भी हो सकते हैं। हाँ ये बात भी सही है, ऐसा डर तो भूत, प्रेत, दरिंदों और शैतानों से ही होता है।
मैंने ऐसे ही थोड़ा बस उसे डराने के लिए कहा और वो चलते चलते रुक गई। वो बोली, आप मुझे डरा रहे हो? तब अचानक ट्यूबलाइट फिर झपकी और मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी। वो सही में बेटा कहने लायक थी। देखने से लग रहा था कि शायद 11th या 12th की स्टूडेंट थी, काफी मासूम सी। उसने मेरी ओर घूरते हुए कहा, मैं रोज रात इसी गली से आती जाती हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। सॉरी बेटा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम डरपोक हो या नहीं। मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। और इतना बोलने के साथ ही ये ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। पर फिर भी हम बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैंने फिर से उससे बिना देखे पूछा। उसने कहा, कोचिंग क्लास से। अच्छा, किस चीज की कोचिंग? नीट की। अच्छा, तो डॉक्टर बनना चाहती हो? पर उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप आगे चलता रहा। अब गली में अंधेरा और भी बढ़ गया था। अब मैं मोबाइल की रोशनी में एक एक कदम आगे चलने लगा ताकि वो भी मेरे पीछे पीछे आराम से चल सके। अचानक मुझे कुछ घसीटने की और घूं घूं करने की आवाज सुनाई दी, तो मैं तुरंत पीछे मुड़ा। तुम ठीक तो हो ना? और तब मैं बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने उस लड़की को आवाज दी, हेलो, कहाँ गई? कहीं गिर विर तो नहीं गई ना? कहाँ हो? और उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं बस गली में इधर उधर भाग ही रहा था कि तभी एक गली के घर का दरवाजा खुलता है और एक आंटी बाहर आई और मुझे देख वो गुस्से से बोली, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने यहां वहां देखते हुए कहा, आंटी, एक लड़की अभी मेरे साथ साथ आ रही थी, वो अचानक से कहीं गायब हो गई। अच्छा, कौन लड़की? आंटी ने उसी गुस्से भरी आवाज में पूछा। वो किसी कोचिंग से आ रही थी आंटी, उसे डर लग रहा था तो वो मेरे साथ साथ आने लगी। अब मेरी बात सुनकर शायद आंटी को गुस्सा आ गया। नशा करके आए हो क्या? इतने सालों से यहां रह रही हूं और अच्छी तरह से जानती हूं कि इतनी रात में यहां कोई कोचिंग वोचिंग नहीं होती। मैंने फिर सफाई देते हुए कहा, नहीं आंटी, उसने मुझसे यही कहा था। पर आंटी मेरी बात सुनने को कहां राजी थी। आंटी ने फिर कहा, चुपचाप अपने घर चले जाओ और शोर मचाया तो पुलिस को बुला लूंगी। और फिर मैं बस चुपचाप अपने घर की तरफ चलने लगा। देखा तो गली की दूसरी तरफ पुलिस चौकी है। क्या पता उस बच्ची के साथ कुछ बुरा हो जाए। और फिर मैं पुलिस चौकी की तरफ तेजी से चलने लगा। तभी मुझे एक लड़की की दर्द भरी चीख और दम की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उस आवाज की तरफ भागा और तभी नीचे मेरे पैर पर कुछ टकराया, कुछ नरम सा था। मैं घुटनों के बल पर गिर पड़ा। अचानक अंधेरे में वो ट्यूबलाइट फिर से चमकी। अब मैं पसीने से पूरी तरह तर हो चुका था। मेरे पैरों के पास वही लड़की थी जिसके लिए मैं भाग रहा था। उसके नाक, मुंह और आंख से खून बह रहा था। उसके होंठ कट चुके थे और होंठों के अंदर से दांत भी बाहर निकल रहे थे। ट्यूबलाइट फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में खून से सना उसका चेहरा गोद में रखकर मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी फिर ट्यूबलाइट चमकी और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून सा जम गया जब मैंने खून से भरी उसकी आंखें खुलते हुए देखी और वो इतने खौफनाक तरीके से मुस्कुराई कि मेरा कलेजा हलक को आ गया। मैंने डर के मारे उसका सर जमीन पर जोर से पटक दिया और जल्दी से पीछे हटा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। शायद चक्कर खाकर मैं वहीं गिर गया, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मैं उन्हीं आंटी के घर में था जो कुछ देर पहले मुझे डांट रही थी। वहां उस आंटी के साथ एक अंकल और एक मेरी उम्र का एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी। कहाँ रहते हो? अंकल ने मेरे होश में आते ही मुझसे पूछा। जी, वो पीछे मनमोहन चौल में रहता हूँ, तीसरे नंबर वाला मकान। वो 2 साल पहले मकान की छत से गिरकर मर गई थी, आंटी बहुत ही गंभीर होकर बोली। पर मैं शायद अभी भी ठीक से होश में नहीं था। मैंने हकलाते हुए पूछा, मैं यहां कैसे आया? आंटी के बेटे ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा,
जब तुम चिल्लाए तो हम बाहर आए थे, तो देखा कि तुम नीचे बेहोश पड़े हो। फिर पापा और मैं मिलकर तुम्हें यहां लेकर आ गए। मैंने उसकी बात को बीच में काटते हुए पूछा, वो लड़की कौन थी और उसे क्या हुआ था? क्या वो ठीक तो है ना? मैंने होश संभालते हुए पूछा। है नहीं, थी। 2 साल पहले वो मेरे साथ ही कोचिंग लेने जाती थी, एग्जाम में फेल हो गई थी, तो एक दिन उसने अपने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अभी भी वो सड़क पर कई लोगों को बैग लिए दिख जाती है। अब उनकी बेटी ने मेरी बात का जवाब दिया, पर उसकी वो बात सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। मेरी हालत देख वो अंकल और उनके बेटे मुझे घर तक छोड़ने आए। मैं अपने रूम तक तो पहुंच गया था, लेकिन मुझको बार बार उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था, और उसके अगले ही दिन वो चौल छोड़कर वहां से चला गया। मैं हमेशा जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो असल में है वो बहुत कम दिखता है। आप भी आते जाते ख्याल रखिए, कहीं आपके आसपास भी तो कोई नहीं जिसे आप देख नहीं पा रहे।